जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमती ना हो अवरुद्ध, गतिमती ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठो याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। महाकवि शिव मंगल सिंह सुमन की इन पंक्तियों के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की पहली स्टोरी है दिलीप कुमार की। उनका बोला हुआ एक झूठ कैसे बना उनके वालिद के लिए एक बहुत बड़ा सदमा। उसके बाद फिल्म अर्थ के आखिर के दो सीन ने कैसे बदल दी महेश भट्ट के जीवन की धारा, यह होगी हमारी दूसरी स्टोरी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया, मैं आज याद करेंगे पंडित सत्यदेव दुबे को। रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग की, और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में लिसनर्स क्वेश्चन, जिसमें जवाब दूंगा दिल्ली की एक लिसनर के प्रश्न का। लेकिन सबसे पहले आगाज आज के प्रोग्राम का है। दिलीप कुमार के पिता और राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती पेशावर की दोस्ती थी। बाद के वर्षों में जब दिलीप कुमार के पिता अपने फ्रूट बिजनेस का विस्तार ढूंढते हुए बंबई आ गए, तब भी दोनों की मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि बशेश्वर नाथ अपने बेटे पृथ्वीराज कपूर से मिलने अक्सर बंबई आते जाते रहते थे। दिलीप कुमार के पिता बशेश्वर नाथ से कहते थे कि उनके बेटे ने सही व्यवसाय का चुनाव नहीं किया। वो हमेशा बशेश्वर नाथ पर तंज किया करते थे कि क्यों उनके बेटे ने नाटक नौटंकी को अपना पेशा बना लिया। वो फिल्मों में काम करने वाले को बहुत छोटा समझते थे और हकारत भरी नजरों से देखते। वो चाहते थे कि बशेश्वर नाथ का बेटा भी उन्हीं की तरह कोई बड़ा सरकारी अफसर बनता। वो तो अपने बेटे यूसुफ खान को भी एक बड़ा ओहदेदार अफसर बनता हुआ देखना चाहते थे, जबकि बशेश्वर नाथ को अपने बेटे के पेशे से कोई परेशानी नहीं थी। वो फिल्मों में काम करने वालों के खिलाफ नहीं थे, इसलिए बशेश्वर नाथ ने दिलीप कुमार के पिता की इन बातों को कभी तरजीह नहीं दी। इन्हीं सब के बीच दिलीप कुमार का फिल्मों में आगमन हो गया, जिसकी खबर दिलीप कुमार के पिता को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने घर पे बोल रखा था कि वो एक कंपनी में काम करते हैं। पकड़े जाने का डर इसलिए नहीं था क्योंकि दिलीप कुमार के वालिद साहब फिल्मों से कोसों दूर थे। 1947 की एक सुबह जब बशेश्वर नाथ बाजार में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर बाजार में लगे एक पोस्टर पर पड़ी। आंखों में चमक आ गई देखते। वो सीधे दिलीप कुमार के पिता गुलाम सरवर खान से मिलने पहुंचे और उनसे कहा, मूछों पर ताव देने के दिन आपके लद गए, आइए आपको कुछ दिखाना है। ये कहकर दिलीप कुमार के पिता को साथ लेकर बशेश्वर नाथ उसी पोस्टर के पास पहुंचे और कहा, मुलाहजा फरमाइए, देखिए। देखकर दिलीप कुमार के पिता सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये पोस्टर था दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू का पोस्टर। बड़े बड़े हरफों में लिखा था, दिलीप कुमार। बशेश्वर नाथ ने कहा, मियां गुलाम सरवर, हैरान मत हो, ये और कोई नहीं, अपना यूसुफी है। फिल्मों में इसने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया है, ताकि घर वालों का नाम खराब ना हो। दिलीप कुमार के पिता को ये सब एक बुरा ख्वाब के जैसा लग रहा था, लेकिन ख्वाब नहीं था, असलियत थी, हकीकत थी, जिसे स्वीकार करने में उन्हें बहुत साल लग गए। महेश भट्ट की लाइन से चार फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। पांचवी फिल्म अर्थ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में चल रहा था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का रिएक्शन ऑडियंस का आउटस्टैंडिंग। फिल्म के सेकंड हाफ के अंतिम के दो सीन से फिल्म का फैसला हो जाना है, फिल्म हिट है या सुपर फ्लॉप। महेश भट्ट को नई शुरुआत या बैक टू द पवेलियन। महेश भट्ट टेंशन में है,
कनॉट प्लेस के चक्कर लगा रहे हैं। फिल्म के आखिरी के दो सीन आने का टाइम हो गया है। महेश भट्ट सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल होते हैं और अब वो आखिरी के दो सीन शुरू होने वाले हैं। सीन में कुलभूषण खरबंदा का चरित्र अपनी पत्नी शबाना आजमी से माफी मांग रहा है, जिसने पहले अपनी पत्नी को एक दूसरी औरत के खातिर छोड़ दिया था और अब अपनी गलती का एहसास होने पर वापस अपनी पत्नी के पास लौट आया है और चाहता है कि पत्नी उसे माफ कर दे। जवाब में पत्नी शबाना आजमी पति से पूछती है, एक बात बताओ इंदर, अगर मैं यही काम करती और फिर वापस आकर तुमसे माफी मांगती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? पति का जवाब आता है, नहीं। पत्नी कहती है, गुड बाय इंदर। सिनेमा हॉल के अंदर दो पल का सन्नाटा, फिर फर्स्ट स्टॉल से तालियों की गड़गड़ाहट उठती है और उसके बाद देखते देखते पूरे सिनेमा हॉल में तालियां गूंज जाती हैं। सिनेमा हॉल में एक कोने में खड़े महेश भट्ट की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। महेश भट्ट कहते हैं, मेरी फिल्म हिट हो गई है, हिंदुस्तान के फ्रंट बेंचर्स ने मेरी फिल्म को पसंद कर लिया है। और यहीं से महेश भट्ट की जिंदगी को मिलती है एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक ऐसी दिशा जिसने उनका जीवन और दशा दोनों बदल दी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार अन्नू सर, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अन्नपूर्णा गुप्ता, मेरा शॉर्ट नेम भी अन्नू है जैसे आपका अनिल है। जी जी, अरे वाह 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 अन्नपूर्णा जी, किस शहर से बोल रही हैं आप? जी मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट में चिरगांव पड़ता है वहाँ से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, विशुद्ध बुंदेलखंड की धरती से बोल रही हैं आप? जी जी जी, वैसे मैं हूँ छत्तीसगढ़ की, मायका मेरा छत्तीसगढ़ है। अच्छा, ससुराल है यहाँ पर? जी जी जी। ठंड तो पड़ रही होगी? बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है सर। जी 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 जी, बहुत ज्यादा। घर में कौन कौन है? घर में पति है, सासू माँ है, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी दिल्ली में जॉब करती है। अच्छा 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 अच्छा, अब आपके पास कोई बच्चे नहीं है अभी? बेटा रहता मेरे पास। अच्छा, बेटा क्या, बेटा क्या कर रहा है, नाम क्या है उनका बेटे का? हार्डवेयर की दुकान है। अच्छा 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 अच्छा, तो अपने पिता के साथ ही वो बिजनेस में हुए? नहीं नहीं, पापा उनके बैंक में मैनेजर है। अच्छा, दादाजी हमारे नहीं रहे, दादाजी का काम देख रहा है वो। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको ठीक ठाक लगता होगा, दिल बहल जाता होगा। मैं बहुत पुरानी आपकी श्रोता हूँ, मैं 2:30 बजे जब आपका प्रोग्राम आता तब से मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम। अरे रे रे रे, बहुत बहुत कृपा आपकी, आपके बहुत आभार। एक भी एपिसोड मैं मिस नहीं करती आपका, बिल्कुल बकायदा सुनते हूँ मैं। अरे रे रे, मेरी तरफ से सबको, अपने पति को नमस्कार, सासू जी को, बच्चों को, सबको आशीर्वाद मेरी तरफ से। और अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर गाना सुनाएंगे? बोलिए बोलिए, आप हुक्म कीजिए ना। जल्दी मछली मिटवन बिजली का गाना है वो, तारों से सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा। तो हमारी झांसी की श्रोता हैं श्रीमती अन्नपूर्णा गुप्ता, उनकी फरमाइश पर जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का ये गीत, तारों से सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ, आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, हम इतना मान देती हैं इस कार्यक्रम को, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पेश है दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध रंगकर्मी और लेखक अभिनेता सत्यदेव दुबे को। पंडित सत्यदेव दुबे का जन्म 19 मार्च 1936 को बिलासपुर, तब मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में हुआ था। बचपन में वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, शायद यही चाहत उन्हें खींच कर ले आई बंबई, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। जब वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी उनकी पहचान इब्राहिम अलकाजी से हो गई, जिन्हें भारतीय रंगमंच का कुछ लोग पितामह भी कहते हैं। इब्राहिम अलकाजी ने सत्यदेव दुबे का परिचय रंगमंच के विभिन्न रस और विधाओं से करवाया। तत्पश्चात सत्यदेव दुबे रंगमंच के ही होकर रह गए। सत्यदेव दुबे 5 दशक तक भारतीय रंगमंच में एक सितारा बनकर चमकते रहे। उन्होंने अनेक नाटकों का निर्देशन और लेखन किया। कुछ प्रमुख नाटक जो उन्होंने लिखे और डायरेक्ट किए वो थे ययाति, हायवदन आधे अधूरे, गिद्ध, शांतता कोट चालुआ है, एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, संभोग से संन्यास तक इत्यादि। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा रेडियो नाटक अंधा युग को भारतीय रंगमंच तक लाने का श्रेय भी सत्यदेव दुबे को जाता है, जिन्होंने इस नाटक की क्षमता को पहचाना
और इब्राहिम अलकाजी की नजरों तक ले आए, जिसके बाद ये नाटक पूरे भारत और विश्व भर में लोकप्रिय हो गया। रंगमंच के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1971 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया। 70 और 80 के दशक में सत्यदेव दुबे ने कई हिंदी फिल्मों के लिए संवाद और पटकथा लेखन भी किया। अंकुर, भूमिका, विश्वासघात, जुनून, कलयुग, विजेता, मंडी इत्यादि। फिल्म भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। फिल्म जुनून के डायलॉग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सिनेमा और रंगमंच में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में पैरालिटिक अटैक के कारण पंडित सत्यदेव का निधन हो गया। रीमेड इन इंडिया, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म टाइटल्ड अ किस बिफोर डाइंग। जोनाथन कॉर्लिस एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी डोरोथी कार्लसन से प्यार करता है, उसके पिता की दौलत को हथियाना चाहता है। जोनाथन को जब पता चलता है कि डोरोथी प्रेग्नेंट है, तब वो डोरोथी को शादी के लिए मैरिज ब्यूरो लेकर जाता है और उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है। डोरोथी का लिखा एक सुसाइड नोट भी वहां छोड़ देता है, ताकि ये हत्या आत्महत्या प्रतीत हो। जब ये बात डोरोथी के पिता और उसकी जुड़वा बहन एलन को पता चलती है, तब दोनों को यकीन नहीं होता। एलन इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेती है। जोनाथन उसके कदम कदम पर रोड़े अटकाता है। पहले वो डोरोथी के एक्स बॉयफ्रेंड टॉमी को मारकर पंखे से लटका देता है, जो एलन को जोनाथन के बारे में कुछ बताने वाला होता है। फिर डोरोथी की कॉलेज फ्रेंड पेट्रिशिया को धोखे से होटल बुलाकर उसे भी मार डालता है और उसकी लाश सूटकेस में भरकर नदी में बहा देता है। एक तरफ तो जोनाथन एलन की परेशानियां बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो एक फेक आइडेंटिटी बनाकर एलन की जिंदगी में आता है और उससे प्यार करने का नाटक करता है, ताकि जो कहानी डोरोथी के द्वारा पूरी नहीं हो सकी वो उसे एलन के जरिए पूरा कर दे। किसी तरह एलन जब कुछ तथ्यों और सुरागों के जरिए जोनाथन के घर पहुंचने में सफल हो जाती है, तब उसे जोनाथन की असलियत का पता चलता है। जब कुछ और परतें खुलती चली जाती हैं, तब उजागर होता है जोनाथन के प्रतिशोध का कारण। इसी थीम पर जब इंडिया में फिल्म बनी तो डोरोथी कार्लसन और एलन की भूमिका को निभाया था शिल्पा शेट्टी और काजोल ने, और जोनाथन कॉर्लिस को पर्दे पर उतारा शाहरुख खान ने। फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने, निर्देशक अब्बास मस्तान, फिल्म का नाम बाजीगर। मुंबई के विनोद मोरे ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि हम तफसील से बताएं नीलू फुले के बारे में। नीलू फुले का पूरा नाम था नीलकंठ कृष्णाजी फुले। वो महान समाज सेवक ज्योतिबा फुले के वंशज थे। 1930 में इनका जन्म पूना में हुआ था। पूना में कुछ समय ये स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे। 17 वर्ष की आयु में ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में माली का काम करने लगे, जहां उन्हें 80 रुपये महीना पगार मिला करती थी। बाद में वो खुद अपना बागवानी का काम करना चाहते थे, लेकिन पैसे के अभाव में अपना बिजनेस नहीं कर पाए। इन्हीं दिनों उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएँ पढ़ीं। बाद में उद्यान नाम का एक नाटक लिखा जो बहुत लोकप्रिय हुआ, और यहीं से उनका रंगमंच के प्रति प्रेम जाग पड़ा। इन्होंने जो पहला व्यावसायिक नाटक किया उसका नाम था कथा अकलेचा कांद्याची, जिसकी 200 से ज्यादा प्रस्तुतियां हुई। रंगमंच में नीलू फुले को जिस रोल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है सखाराम बाइंडर। इस प्ले को लिखा था विजय तेंदुलकर ने। फिल्मों में ज्यादातर इन्होंने विलेन के रोल किए। आम जीवन में महिलाएं डरा करती थीं। 70 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। कुछ प्रमुख फिल्में सारांश, सिंहासन, सामना, सौदन सास के, मशाल, हिरासत, प्रेम प्रतिज्ञा इत्यादि। 13 जुलाई 2009 को 78 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। उम्मीद करता हूँ विनोद मोरे जी, आपको उत्तर मिल गया होगा। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूँ। फिर भेंट होगी नए उमंग, नए जोश के साथ, नई कहानियों के साथ, नई दास्तानें, नए नगमे।
और होऊंगा मैं आपका अपना अनु कपूर इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।